हेलो फ्रेंड्स, हेल्थी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आमले का मुरब्बा। आमले में आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसके लिए हमने 500 ग्राम आमले लिए हैं और आमले हमने पके हुए लिए हैं, देखिए। और इनमें दाग नहीं होना चाहिए आमलों में। थोड़े पके हुए आमले से अगर आप मुरब्बा बनाते हैं तो इसका मुरब्बा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है। तो इन्हें हमने दो बार अच्छे से पानी से धुला, उसके बाद 5 घंटे हमने पानी में, सादे पानी में इनको पड़ा रहने दिया। अभी पानी से निकाल लिया है और इसके एक फोग लेंगे या टूथपिक कुछ भी ले लें, उससे इस तरह से छेद कर लेंगे। आमले के चारों तरफ अच्छे से छेदेंगे। सभी आमलों में हमने फोग से छेद कर लिए हैं और हमने ये 1 लीटर पानी लिया है। पानी में आधा चम्मच चूना डालेंगे, चूने की जगह आप फिटकरी ले सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। हमने ये खाने वाला चूना लिया है, किसी भी पान की दुकान पर ये आसानी से मिल जाता है। और इसको हमने अच्छे से घोल लिया है, इसमें आमले डाल देंगे। सभी आमलों को पानी के अंदर डाल देंगे, पानी में आमले अच्छे से डूब जाए। सभी आमलों को हमने पानी में डाल दिया है और अभी हम इसको पूरी रात ढक के रखेंगे, उसके बाद हम मुरब्बा बनाएंगे। आमलों को हमने चूने के पानी में डाल के रखा था, अभी इन्हें दो बार धुलेंगे, साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे इनको। आमलों को दो बार हमने साफ पानी से धो लिया है और ये हमने 1 लीटर पानी लिया है, भगोने में उबलने के लिए रख दिया है। उबलते पानी में आमलों को डालेंगे, इन्हें 10 मिनट उबलने देंगे मीडियम फ्लेम पर। आमलों को हमने 10 मिनट उबाल लिया है, गैस बंद करेंगे और ये मैंने जाली ली है, इस पे छान लेंगे। सारा पानी इसका निकल गया है। पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे। 500 ग्राम आमले लिए थे तो 500 ग्राम चीनी लेंगे। ये आमले डाल देंगे पैन में और चीनी, गैस धीमी रखेंगे, इसे पका। चीनी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी आमलों में मिलकर, जब तक हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी नहीं होगी हम इसको पकाएंगे। अभी चीनी को पहले घोलेंगे। चीनी और आमले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अभी जिस पानी में हमने आमलों को उबाला था उसमें से हम 50 ग्राम पानी इसमें डालेंगे। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, खाली 50 ग्राम। जैसे जैसे आमले और चीनी पकते जाएंगे तो ये पानी बढ़ता जाएगा, आमले अपना पानी छोड़ेंगे और चीनी में मिक्स होते जाएगा। तो इस तरह से हमें चीनी को गाढ़ा करना है। हमारी चाशनी जो है एक तार की होनी चाहिए, बीच बीच में से चलाते रहेंगे। इन आमलों को बनने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं चाशनी में पकने में इन्हें। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, 2 हरी इलायची छोटी उनको थोड़ा कूट लिया है, 1 चम्मच काला नमक है या स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे। इसे बनने में अभी 5 से 6 मिनट और लगेंगे। इसका कलर चेंज हो जाता है आमले का जब ये बन जाता है मुरब्बा, ब्राउन कलर हो जाता है आमलों का। आंवलों का कलर चेंज हो गया है, देखिए इस तरह से हो जाते हैं जब हमारा मुरब्बा बन करके तैयार हो जाता है, थोड़ा ब्राउन कलर हो जाता है आंवलों का। तो आंवले का मुरब्बा बन करके तैयार है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बंद कंटेनर में भर के रखेंगे और इसे आप 1 साल तक आराम से खा सकते हैं। आप जिस कंटेनर में इसको बंद करके रखें उसे पहले गर्म पानी से धो लें, धोने के बाद धूप में सुखा लें, उसके बाद इसमें आप रखें, आप इसे बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।